गुड मॉर्निंग एवरी वन, माई सेल्फ डॉक्टर सुजाता संजय, मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि 28 मई को वर्ल्ड मेनस्ट्रुअल हाइजीन डे के रूप में मनाया जाता है। हम सभी जानते हैं मेनस्ट्रुअल साइकिल, जो कि एक नॉर्मल प्रोसेस होता है इन एवरी फीमेल, क्योंकि ये एक हमारा सेकेंडरी चेंजेस होता है जिसमें कि मेंसेस का आना स्टार्ट होता है, जो कि तकरीबन 40-45 ईयर्स तक आते रहते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि मेनस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर रहें, और उसके साथ ये एक और भी इम्पॉर्टेंट बात होती है कि ड्यूरिंग द मेनस्ट्रुअल साइकिल हर एक फीमेल को बहुत ज़्यादा हाइजेनिक रहना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस दौरान जब आप सफाई का नहीं ध्यान रखते हैं तो बहुत सारे ऐसे इंटरनल इन्फेक्शन्स होते हैं जिन्हें हम इंट्रा यूट्राइन इन्फेक्शन्स कहते हैं, उससे फीमेल संक्रमित हो जाती हैं। बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं होता है ड्यूरिंग द मेनस्ट्रुअल साइकिल। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको स्पेशली रेगुलर पैड इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर किसी कारणवश आप पैड यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो आप कॉटन का एक बिल्कुल साफ़ सुथरा कपड़ा इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखें कि उस कपड़े को अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो प्रॉपरली उसको ड्राई भी करें, सुखाएं भी अच्छे से अगर आप रीयूज़ कर रहे हैं, अदरवाइज़ आप नया कॉटन का क्लॉथ यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि इन केस अगर आपको लगता है ड्यूरिंग द मेनस्ट्रुअल साइकिल स्पेशली आपको लोअर एब्डोमेन में पेन होता है, हैवीनेस होता है, और उस पेन से एसोसिएटिंग वॉमिटिंग्स होती हैं, तो ये एक तरह के सिम्टम्स होते हैं जिसे हम PMS यानी कि प्री मेनस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको एक बार गायनिक से कंसल्ट करना चाहिए, अपने डॉक्टर से एक बार जरूर परामर्श लेना चाहिए। बहुत बार तो ये सिम्टम्स सबसाइड हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये सिम्टम्स आगे इन फ्यूचर आने वाले इंट्रायूटराइन इन्फेक्शंस के सिम्टम्स होते हैं जो कि आगे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं ये समय हम सभी के लिए बहुत दिक्कतों भरा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना की वजह से, जो कि एक वैश्विक महामारी है, स्पेशली फीमेल्स को भी इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है कि मेनस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, चूँकि वो मार्केट अभी कुछ समय से बंद रहा है जिसके चलते वो अपनी ज़रूरत के सामान को परचेज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो इस दौरान भी ज़रूरी नहीं है, जैसा कि मैंने बोला, कि आप पैड ही इस्तेमाल करें। आप एक साफ़ सुथरा कॉटन का कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और सफाई के लिए आपको भी जागरूक रहना चाहिए। हाँ, कोविड जैसी बीमारी में या कोरोना जैसे काल में हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस दौरान प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करें, उसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग, हम सभी जानते हैं कि कम से कम 1 से 2 मीटर की डिस्टेंस आपस में मेंटेन करके रखें। तीसरा, ये ज़रूरी है अगर आप घर में रह रहे हैं या घर से बाहर निकल रहे हैं, उस दौरान आप अपने मास्क का इस्तेमाल करें। अगर आप मास्क आपके पास नहीं है तो आप साफ़ सुथरे कॉटन के कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन सबसे ज़रूरी बात होती है, जैसा कहा जाता है कि कहीं ना कहीं आपकी साफ़ सफाई आपको इस कोरोना से प्रभावित होने से जा सकती है, और स्पेशली फीमेल्स के लिए ड्यूरिंग द मेनस्ट्रुअल साइकिल आप अपनी साफ़ सफाई का ध्यान रखें, ताकि इन फ्यूचर आपको किसी भी प्रकार के संक्रमण का सामना ना करना पड़े। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।